गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स माय डे टू यूएसए जर्नी के लिए। मेरे आज दूसरा दिन है और मेरी आज फ्लाइट सुबह 7:35 की, बट बोर्डिंग 6:50 में हो जाएगी शायद। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 3, टर्किश टाइम है। इंडिया में तो शायद 5:30 बज गए होंगे मे बी। आज इस वीडियो में मैं, मतलब ये पार्ट टू रहेगा मेरा वीडियो का। उस पार्ट में मैंने तुर्की की पूरी जर्नी बताई, दिखाई आपको, सॉरी। अब इस पार्ट में मैं आपको इस्तांबुल से लेके यूएसए तक की जर्नी दिखाऊंगा। और अब स्टे ट्यून्ड। ओके बाय, जाओ फिर मिलेंगे। बाय 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 बाय। अरे मेरे को, मैं भी आ रहा हूँ भाई। ये है इमिग्रेशन मेरी। हाँ यार, इमिग्रेशन। अब निकलते हैं अपन यूएस के लिए। चल के जाने, मैं बोले नीचे से जाएंगे, मारेंगे मैं एंकर बोल। इमिग्रेशन हुआ यहाँ पे। इमिग्रेशन तो एकदम स्मूथ था, बट अब उधर जाता हूँ सिक्योरिटी चेक के लिए। वहाँ पे जूते वूते सब निकालने पड़ेंगे यार। चलो ना यार, चलो चलो। हाँ, क्या चाहिए इधर को बोल। तू बोल भाई, सब ले ले, सब ले लेंगे। पैसे तो ये देगा भाई, बस ले। भाई मार मार के जाने के, एक एक सेंट मारेंगे, टेस्टिंग टेस्ट करना ऐसे करके जाना होए। औरत है, वुमन है मम्मी। बस भाई वुमन नहीं समझ भाई। ये वीडियो ना, वीडियो ना ना। हाँ पहले बताओ, आपका फील कैसे हुआ जो पासपोर्ट नहीं मिला। भाई फट के चार हो गई थी भाई, पासपोर्ट नहीं मिला भाई। कोई बात नहीं है भाई, ढंग में बनाकर भी वाइड भी है। और भयंकर तेरी, मेरी फट गई, तेरा पासपोर्ट सुन के मैं, तेरे क्या हाल है। क्या फटी तेरी? अरे ये बोर्डिंग पास फट गई थी भयंकर। अब असली बात नहीं ना, रहने दो ये रहने दो। कितने का है? 25 रुपये का है। इतना सस्ता नहीं लेने का भाई। अरे 25 रुपये में ओरिजिनल नहीं है ब्रो, ये इतना सस्ता नहीं है। यूरो है बे वो, देख पता है मेरे को। जिसका जिसका खोपड़ा जितना मुंह बड़ा खुलता ना, ले लेना है मुंह में। इतना बड़ा लॉलीपॉप, इतना बड़ा है, हाथ में भी नहीं। देखो इसके अंदर कुछ है भाई, मेरे को दिखाओ। एसी बैग मत लाओ, एसी बैग मत लाओ। काहे, क्यों? उठा उठा के। हाँ ठीक है, ऐसे मत लाओ, ट्रॉली लाओ, ऐसा लाना ठीक है, ये वाला। अरे ये लेने का था यार भाई। अरे ये, ओ ये ले ले क्या, देख पैंट से ना। मैम 4-5 के मिलते हैं ये। और यूरो तेरी ऐसी की तैसी, 6 यूरो। सही में दारू, इंडिया में पार्टी पे यार। टर्किश में लिखो यार, यूरो कर रहे हो, टर्किश डिलाइट। सागर भाई अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो तेरे लिए ये है, समझ रहा है। तो देखेगा तो है, जबरदस्ती दिखाऊंगा। बस तू देख देख ले भाई, देख कितनी मैं अगर 3 और तलाएंगे। मिनिएचर ऐसे रखिए, देख टुंकुला देसी दारू है। कहाँ गया? Let me show you in street. Oh yeah. सब है भाई इधर, good looking. बढ़िया होना यार, इंटरेस्टिंग लगी यार। ग्लास नहीं है अबे। अंदर जा सकते क्या? हम देख बे। नाइस। अड़ा अड़ा अड़ा।
यार इनके पास तो एक ऑप्शन उस पर एक भी वेज नहीं है, एक भी वेज नहीं है ना, देख वेज ऑप्शन नहीं है, पास्ता कहाँ देख ना, अमेरिकन आ चाहिए, हम तो व्रत रख लेंगे। अभी वहाँ पे हमारा सिक्योरिटी चेक हुआ, अभी मैं अंदर आ गया, हमारा गेट है A3 और फ्लाइट नंबर इसमें आएगा अपना, ये न्यूयॉर्क के लिए है, ये सब न्यूयॉर्क के लिए, बट अपनी टर्किश एयरलाइन है, हाँ ये वाली अपनी है। और आज की ये है हमारी फ्लाइट, अच्छा यार नाइस, मैं वेदर चेक कर यार बाहर का, वेदर चेक कर तू, टाइम तो हो चुका है, टाइम तो हो चुका है जाने का, बट यार अब बोर्डिंग स्टार्ट नहीं करी, पता नहीं क्या है, डिले है कि पता नहीं क्या है। हाँ अब मैं बैठ चुका हूँ अपनी फ़्लाइट में, और क्या कहते हैं मतलब लगभग सेम टाइम में, बस आगे पीछे है 5-10 मिनट का, 7:35 पे चल लेनी चाहिए थी, बट अभी 7:40 हो रहे हैं, बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, बस अब मे बी 5 मिनट में चल देगी यहाँ से, और मैं दिखाते रहूँ आपको थोड़े बहुत शॉर्ट्स कैसे आएंगे, और मेरे साथ मेरा पार्टनर है ये फ्लाइट में मेरे साथ रहेगा, और वीडियो में दिखता रहेगा बार बार, इसका नाम याद रख लेना, इसका इंस्टाग्राम डालूंगा मैं, इसको फॉलो ज़रूर कर लेना, इसको नहीं करोगे तो मुझे ज़रूर कर लेना। खाने के बहुत हाल है, ये देखो क्या खा रहा हूँ मैं, स्क्रैम्बल एग अपने उसमें नहीं चलता यार, खाते हैं बहुत, खाने के बाद मिलता हूँ, ये तो लर्न समझ में नहीं आ रहा क्या दिया है, क्या ये चिकन है पता नहीं, अरे भाई जो मेरे वेजिटेरियन भाई बंधु आएंगे ना, अरे भाई फूड की बात मैं करूँ तो इस फूड की बात करूँ तो भाई ये इतना अच्छा नहीं था ना, अब कभी कभी खाओ मत, इधर नॉन वेज वेज ही लो बेस्ट, नॉन वेज में वो स्क्रम्बल्ड एग मत लो, एक चिकन देते वो चिकन तो कुक रहता है, अरे स्क्रम्बल्ड एग बेग मशरूम बिशरूम नहीं समझता हमें, सही बात है यार, मतलब कि मैंने तो छोड़ रखा है नॉन वेज, बाकी जो अपने वेजिटेरियन भाई बंधु हैं उनके लिए तो है ही नहीं ऑप्शन, क्योंकि वो उन्होंने बोला अगर वेजिटेरियन अगर लेते हैं ना तो स्पेशली 24 आवर्स पहले आपको बुक करना पड़ता है, तो भाई स्क्रैम्बल एग तो इस भाई को पसंद नहीं आया, ये नॉन वेज है बट इसने स्क्रैम्बल एग खाया नहीं, अच्छा नहीं था इनका, इतना खास नहीं था, तो लेट्स सी अब कॉफ़ी वॉफ़ी या फिर कुछ अच्छा मिले तो वो ऑर्डर करते हैं।
बेस्ट मील है भाई अब तक का। कैसा है भाई ये मील बता, तू बता। सही है, यही खाओ, पास्ता मिले तो पास्ता खाओ इधर। चिकन विकन बेकार है यार भाई, चिकन ही एक स्क्रैम्बल्ड एग। स्क्रैम्बल्ड एग बता तुम्हें कैसा है? स्क्रैम्बल्ड एग तो हमने फेंक दिया दोनों ने, मैंने तो खाया भी नहीं। मैं हैंकर मैंने इसको दिया, चलिए खा लेगा अंडे, प्रोटीन मिल जाएगा। हैंकर अपना नहीं खाया ना मेरे को तो ऐसे ही भेज दिया। बट दिस पास्ता इज ग्रेट। अगर ऑप्शन मिलता है इंडियन लोगों को, मैं दूसरों को बता, दूसरा फॉरनर्स को तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि उनका टेस्ट बड़ी अलग है। बट अपन जो इंडियन लोग भाई आ रहे हैं ना, लंच में अगर चिकन या पास्ता का ऑप्शन है तो पास्ता ले लेना ब्रो, चिकन में कुछ नहीं होता इंडिया, बस यही है और कुछ नहीं है। मेरे को लगा ये कस्टर्ड है ये, और ये दाल है भयंकर, मूंग की दाल है और इसमें पुदीने की चटनी और टमाटर की चटनी भी मिक्स थी। मेरे को लगा ऐसा कुछ वो कस्टर्ड वस्टर्ड होगा, बट यार ये पास्ता को फील कर दिया इसने। देखता हूँ अगर और देते तो मंगवाते हैं। हाँ क्रू, ये देगा हमें बोल के कि ये गिफ्ट है हमारी तरफ से, पी लेना इसको। हमने इतने दारू पी ली कि अभी गिफ्ट भी आना चालू हो गया। किसी को नहीं मिला, किसी को भी एकदम आया। मैं क्या कर रहा है बोतल से आके, हमने ना ऑर्डर किया ना कुछ किया, उन्होंने बोला हमारी तरफ से गिफ्ट है आप रख लो। ओके वेरी इंप्रेसिव मैन, थैंक यू सो मच टू द टर्किश एयरलाइन। अभी हम उतर चुके अपने एयरप्लेन से, वो रहा टर्किश रेड वाला, और जो नॉन यूएस हैं वो येलो में चलेंगे, जो यूएस की है वो ब्लू में, मतलब ब्लू की तरफ जाना है। तो पासपोर्ट कंट्रोल सीधे जाएंगे तो पासपोर्ट कंट्रोल है। देखो भाई, अरे ये कितना बड़ा हुआ है, देखना यार एयरबस है भाई ना, ये है साउथ कोरिया। देखो भाई कितनी लंबी लाइन है, कभी कभी हमने इमिग्रेशन की है, शायद इमिग्रेशन या फिर कस्टम कुछ भी हो सकता है। अभी हम इधर खड़े हैं, व्यू चेकआउट करो आप। ठीक है, और मेरा दोस्त क्या नाम है आपका? हनी, हनी सिंह। बस भाई तो आप भी नाम पूछो, मजाक कर रहा है, इनको बताना तो पड़ेगा ना। ठीक है, वैसे इसका नाम हनी सिंह है, सस्ते वाला। सस्ता वाला भाई ये नहीं रहे, रितेश रामपुर है फ्रॉम पुणे। पी टाउन बेबी नो, फिर ये क्या पी टाउन है तो ना, ये पी टाउन गाय, फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, आई विल पुट इट। ओके आपको फॉलो कर जाएगा, कम से कम आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे एक महीने के अंदर, क्योंकि मेरे 10-12 मिलियन फॉलोअर्स हैं। गाइस ये लाइन जो दिख रही है ना, इतनी भीड़ दिख रही है ना कस्टम इमिग्रेशन की, बाप रे इसमें तब जाने वाला मेरा 2-2.5 घंटा आराम से। यहाँ से बाहर निकल के आपको मिलता हूँ। अभी मैं ट्रेन में यार, जमैका बहुत सारा लगेज है, मैं वीडियो बना नहीं पाऊँगा, बाद में आपको रूम पे जाके ही बात करता हूँ। ठीक है, क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन कंप्लीट होने के बाद मैंने अपना लगेज लिया, और लगेज लेके
मेरे को मेट्रो के लिए जाना था, मतलब मेट्रो नहीं, एयर ट्रेन बोलते हैं यहाँ पे। बाकी अब जैसे ही गेट टर्मिनल वाले से बाहर निकलोगे ना तो आपको वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, एयर बस मिल जाएगी। तो क्या कहते हैं, वो फ्री होती है, मतलब कि आपको एयर ट्रेन तक, मतलब जो हम मेट्रो बोलते हैं, एयर ट्रेन तक छोड़ देगी। टर्मिनल नंबर 8 पे आपको जाना है, तो अगर आप क्या कहते हैं एयर ट्रेन लेना चाहते हैं तो आपको एयर बस मिल जाएगी उसमें एयरपोर्ट में, वो आपको पहुँचा देगी। तो मैं अभी अपने रूम में आ चुका हूँ, क्या कहते हैं सामान मेरे पास बहुत था इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, बट बस यही था इस वीडियो में। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, उससे थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएगी और ऐसी ऐसी वीडियो और बना दूंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही नए व्लॉग में।